बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं एक बड़ी खबर पर। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर में एसीबी की कार्रवाई, नर्मदा विभाग का सहायक अभियंता ट्रैप, एसीबी के शिकंजे में जगदीश प्रसाद वर्मा, 1 लाख की रिश्वत लेते किया रंगे हाथ गिरफ्तार, एएसपी आलोक शर्मा और नीरज गुरमानी ने की ये कार्रवाई। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, नर्मदा विभाग का सहायक अभियंता को ट्रैप किया गया है एसीबी के शिकंजे में, जगदीश प्रसाद वर्मा 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। नर्मदा विभाग के अभियंता हैं जगदीश प्रसाद वर्मा और एसीबी ने इनको गिरफ्तार किया है 1 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में। इन्हें गिरफ्तार किया गया है रंगे हाथों, इनको पकड़ा गया है। एएसपी आलोक शर्मा और नीरज गुरमानी ने यह कार्रवाई की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश धादीश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, इस तरीके से खबर सामने आ रही है कि एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई, यहां पर जगदीश प्रसाद वर्मा को 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है, क्या पूरी खबर है? जी बिल्कुल, लगातार एसीबी को एक इनपुट मिल रहा था कि ये जो अधिकारी है, जो नर्मदा विभाग का सहायक अभियंता है जी जगदीश प्रसाद वर्मा, वो उसने 1 लाख की रिश्वत की पेशकश की थी। आज पूरा जो पैसे देने की डील थी वो आज लगातार पुलिस इनके पीछे थी, सर्विलेंस पे फोन था और जो एडिशनल एसपी आलोक शर्मा है उनकी टीम ने आज दबिश दी और रंगे हाथ 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते इनको पकड़ा है। बहरहाल टीम अभी पूछताछ कर रही है, इनके जो निवास स्थान है वहां पर भी टीम रवाना हो चुकी है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन थोड़ी देर बाद चलेगा। लगातार टीम करीब 10 दिन से इनके पीछे थी, आज खुद जो पीड़ित है वो वहां गया था। किस मामले में राकेश, किस मामले में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, इस बारे में कोई जानकारी है? बिल्कुल, कोई एक अभी जो प्रारंभिक जानकारी निकल के आई है वो साफ तौर पर यह कि कोई टेंडर था उसको लेकर ये पैसे की डील हुई थी, उसको लेकर विगत 10 दिनों से चर्चा कर रही थी, लेकिन पूछताछ आज और एसीडी के अधिकारी जब प्रेस वार्ता करेंगे तो पूरा जो मामला है उसका खुलासा करेंगे। फिलहाल अभी पूछताछ जारी है, घर पर भी टीम थोड़ी देर बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाएगी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगी। जी, अभी तक किसी तरीके के दस्तावेज या किसी और कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली है एसीबी को? बिल्कुल, अभी जहाँ पर ये दबिश की गई है वहाँ पर जो कागजात है, डॉक्यूमेंट है, वो एसीबी ने अपने पास ले लिए है, उसकी वो जांच करेंगे और जहाँ पर किसके ठिकाने हैं, जिसके बैंक अकाउंट है, जो लॉकर है, उसकी जांच भी की जाएगी। तमाम जो पहलू है तो एसीबी अपनी कार्रवाई के बाद अंजाम देती है, सारी प्रोसेस की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो एसीबी के अधिकारी है कुछ बताने से बच रहे हैं कि जब तक ये प्रोसेस उनकी जो कार्रवाई है पूर्ण हो जाए उसके बाद ही वो मीडिया को संबोधित करेंगे। जी, हमारे संवाददाता पुखराज बिश्नोई भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुखराज, जिस तरीके से ये न्यूज सामने आ रही है कि जगदीश प्रसाद शर्मा सहायक अभियंता हैं, वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और अभी तक क्या उन पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है वहाँ पे? जी, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कार्रवाई अभी भी जारी है, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और एसीबी की यह साकर में अब तक की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वर्क ऑर्डर को फाइल में तमाम के बदले रिश्वत मांगी गई थी, जिसको बार बार शिकायत मिल रही थी, इसके एसीबी ने कार्रवाई की। अभी कोई खुलासा हुआ है, कोई पूछताछ जो लगातार एसीबी कर रही है, कोई खुलासा वहां पर हुआ है, कोई दस्तावेज पुलिस को मांगी जा रही है, उनमें से कुछ कागज भी बरामद कर लिए जा रहे हैं और अभी भी कार्रवाई जारी है। क्या लगता है, कोई और कोई बात सामने आ सकती है क्या, जिस तरीके की कार्रवाई हम देख रहे हैं, जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, कोई और कोई बात नई में और कोई हो सकता है? आया था, उसके बाद उनको कार्रवाई हुई है और अभी भी कार्रवाई जारी है, आगे का अभी भी कुछ बताने को तैयार नहीं है का, मीडिया वाले को अभी भी कुछ नहीं बता। जो पूरा का मामला एसीबी नहीं निपटा लेता तब तक मीडिया से दूर रखा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों
सहायक अभियंता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।